रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। आप सब आनंदित होंगे, खूब आशीर्वाद बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। लंदन की यात्रा में, विदेश की धरती की यात्रा में दो कथाओं का जो महोत्सव था वह कल निर्विघ्न पूर्ण हुआ और सनातन धर्म की जो बौछार, जो ध्वजा, जो पताका थी वो अद्भुत रूप से फहरी। जैसे भारत में कई बार स्थिति बन जाती है कि निवास बैठने का स्थान नहीं बचता है, हाउस फुल हो जाते हैं, टेंट फुल हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमारे सन्यासी बाबा ने कृपा की और कल तो यहाँ रिकॉर्ड टूट गया लेस्टर में और यहाँ पर पूरे भारत के सनातनीय प्रेमी आकर के श्रीमद् भागवत कथा में सरोवर हुए और आनंदित हुए। हमारी दृष्टि से विदेश यात्रा पर यही कहना है, देश तो एक ही है भारत देश, बाकी सब विदेश हैं और यह सब बाकी देश व्यापारिक दृष्टि से रहते हैं और भारत हमेशा व्यवहार की दृष्टि से रहता है। व्यापार और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। व्यापार में सिर्फ पैसे की बात होती है, व्यवहार में एक दूसरे की प्रसन्नता की बात होती है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इसलिए भारत को एक ऐसा स्थान कहा जाता है जहाँ से आदर्श प्रेम संस्कार की बात होती है। हम फिर वही कहेंगे, खूब जाओ विदेशों में पर अपनी सनातनी, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा और भगवान श्री राम के आदर्शों को स्वप्न में भी मत भूलना। बहुत बहुत आशीर्वाद जो भारत में जुड़े रहे इस कथा से, हृदय से। हमारे सभी पागल, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, आएंगे और हनुमान जी ने चाहा तो फिर से यहाँ सितंबर में महोत्सव है, फिर आएंगे। यहाँ का अलग रस है, अलग अनुभव है, लेकिन पूरे विश्व में यहाँ जो सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरी ना, वो बहुत अद्भुत थी। और लोग जो वो थे, हमारा तो वही ध्येय है जगह सोए हुए लोगों को जगाने का, वो जो लोगों का मन में मनोभाव था, वो जो जुड़ने का, वो बहुत प्यारा, पागल जिसे कहते हैं, यहाँ भी पागलपन की भाव सबके अंदर देखे। सभी पागल रहें, परमात्मा के चरणों में लगे रहें। खूब खूब सीताराम, बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री राम, जय बागेश्वर।